व्याख्या करते समय बताया गया कि लगान भूमि को ही प्राप्त होता है, लगान भूमि को ही प्राप्त होता है। उत्पादन के करने से आपको पूरी लगान प्राप्त नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो लगान भूमि का पुरस्कार है, परंतु आधुनिक प्रशासन ने बताया कि लगान उत्पादन के करने से श्रम हो, पूंजी हो, साहस हो, संकट हो, सभी को लगान प्राप्त होता है। सिद्धांत की व्याख्या करते समय उत्पादन के साधनों को तीन भागों में बांटा जिन्हें किसी एक ही काम में किया जा सकता है, जबकि पूर्णतया ऐसी साधन वह है जिसे किसी भी काम में किया जा सकता है। तो मेरा कहना अभिप्राय है पूर्णतया किसी साधन वह है जिसे एक ही काम में किया जा सकता है, पूर्णतया ऐसी साधन वह है जिसे किसी भी काम में किया जा सकता है। पूर्णतया किसी साधन की अवसर बात शून्य होती है, ऐसे साधनों की जितनी आय होती है वह पूरी की पूरी लगा जबकि पूर्णतः अविशेष साधनों की वर्तमान आय और अवसर लगा दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, इन्हें कोई लगा प्राप्त होता। तीसरा आता है आंशिक विशिष्ट और आंशिक अविशेष, ऐसे साधनों को वर्तमान आय जैसे अवसर लागत बताने पर जो अंतर प्राप्त होता है उसे हम लगान के नाम से यानी ऐसे साधन जो आंशिक विशिष्ट और आंशिक अविशिष्ट होते हैं उनकी वर्तमान आय और अवसर लागत में अंतर होता है और उसका जो अंतर होता है उसके लगान के नाम से संबंधित होता है।
आदमी से जान करता है कि वर्तमान आयु से कौन सा कार्य करने पर लगन प्राप्त होता है। विकारों का लगन से जान उपजाऊपन में अंतर को आधार मानता है कि उपजाऊपन में अंतर होने के कारण लगन प्राप्त होता है, जबकि आयु से जान बताता है कि लगान विशिष्टता का दूसरा है, यानी विशिष्टता में अंतर के कारण लगान प्राप्त होता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि लगान मूल्य को भ्रमित नहीं करता, जबकि लगान का आधुनिक सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि लगान मूल्य को प्रभावित करता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि लगान भूमि की स्थिति जो अंतर के कारण होता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत बताता है कि लगान भूमि की स्थिति के साथ ही साथ उसकी लगान साधनों की विशेषता के कारण उत्पन्न होती है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से सीमित महत्व रखता है, जबकि लगान का आधुनिक सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से अधिक रिकार्डो के लगान सिद्धांत में भूमि की विशिष्टता को आधार माना गया है, जबकि रिकार्डो के आधुनिक सिद्धांत में विशिष्टता की भावना तत्व को आधार माना गया है। मूल्य निर्धारण में उपयोगी है, साधनों का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है यह लगान का आधुनिक सिद्धांत होता है। दूसरा, लगान का आधुनिक सिद्धांत साधनों की विशिष्टता का विश्लेषण करने में सहायक है, यानी साधन कितने विशिष्ट हैं, कितने विश्लेषण योग्य हैं, इस बात की व्याख्या भी लगान का आधुनिक सिद्धांत होता है। लगान का आधुनिक सिद्धांत साधनों की अनुकूलतम वितरण का आधार है, यानी हम साधनों को कहाँ कहाँ वितरित करें, उन्हें किस प्रकार विश्लेषित किया जाए, उनका कहाँ पर प्रयोग किया जाए, इस बात की व्याख्या लगान का आधुनिक सिद्धांत करता है। लगान का आधुनिक सिद्धांत विभिन्न प्रकार के संस्थागत उपायों पर आधार मानता है, इसके द्वारा मूल्य निर्धारण के विभिन्न सिद्धांतों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो लगान का आधुनिक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो इस बात की व्याख्या करता है कि वे साधन जो भूमि की तरह सीमित है उन्हें लगान प्राप्त हो सकता है। लगान मुख्यतः विश्लेषण का आधार है और इसमें वास्तविक विश्लेषण को आधार मान करके विभिन्न प्रकार की गणनाएं की गई है। Thank you.